जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखे होंगे कि सुबह थोड़ी सी लेट होने के कारण बाबा बैद्यनाथ पर जल चढ़ाने में लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम पर जल चढ़ाने के बाद बाबा बासुकीनाथ पर जब तक जल न चढ़ाया जाए तब तक पूजा अधूरी मानी जाती है। तो हम लोग निकल जाते हैं बाबा बासुकीनाथ पर जल चढ़ाने के लिए। टिकट में श्री बैद्यनाथ धाम का दर्शन करके निकल चुके हैं और यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा धाम मतलब बैद्यनाथ धाम का दर्शन करने के बाद बासुकीनाथ का भी दर्शन कर लेना चाहिए, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी कि बासुकीनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग। अभिषेक जी से मिलिए जो कि हम लोग को गाइड करके ले जा रहे हैं यहाँ से, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है सारा चीज़ इनकी जिम्मेदारी पर है। तो अब हम लोग जा रहे हैं बासुकीनाथ, तो अभी हम लोग ऑटो लेंगे यहाँ से और यहाँ से 45 मिनट का रास्ता है जो कि बैद्यनाथ धाम सीधा जाएंगे। तो चलिए चलते हैं ऑटो पे। ये देखिए शिव गंगा, यहाँ पे स्नान करने के बाद यहाँ से सीधा आप जा सकते हैं जल ढारने बाबा बैद्यनाथ को। ज़्यादा पानी नहीं है, झील की तरह पानी एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। और यहीं से आपको मिल जाएगा ऑटो जो कि आपको बासुकीनाथ तक ले जाएगा। चलिए ऑटो वाले भैया से पता करते हैं कितना किराया है अभी। क्या रुपये लीजिए भैया? कितना? 80 रुपये लीजिए। हाँ, आना जाना है कि घर देना? आना जाना चित्रकूट पर्वत सब जो घूमिएगा, त्रिकूट है, तपोवन है, लोलखा है, बासुकीनाथ। हाँ, सब जो घूमिएगा 1200 रुपये पड़ेगा। 1200 सब जो घुमा के यहाँ लाएंगे? नहीं, यहाँ सीधा ले जाइएगा तब कितना पड़ेगा? जाते रहे फिल्म बने रहती। सीधा जाने का कितना लीजिएगा? जाने का कितना लीजिएगा बासुकीनाथ सिंगल सिंगल? सिंगल ऐसे जनरल में जाइएगा 70 रुपया करके है, ऐसे रिजर्व गाड़ी में पड़ेगा 100 रुपया पचास। 60 रुपया उधर बोले हैं। 70 रुपया जनरल में बड़ा गाड़ी में बैठाएगा। कितना आदमी है? 3 आदमी। जाना बासुकीनाथ में कितना देर लगेगा दर्शन करने में? जाइएगा? नहीं, बासुकीनाथ जाना है पहले। बासुकीनाथ देखिए, बासुकीनाथ ऐसे जाइएगा 100 रुपया आगे पड़ेगा। 100 रुपया जाना, 100 रुपया नहीं, 100 रुपये ज़्यादा बोल रहे हैं। 60 में चलिएगा। 60 चलिए। यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा है ऑटो स्टैंड में, और अभी ऑटो वाले भैया से बात नहीं बनी, अब दूसरे ऑटो वाले भैया के पास चलते हैं। बासुकीनाथ जब 3 आदमी कैसे कैसे ले? 70। चलिए आगे भैया, चला चलिए। आ चुके हम लोग ऑटो, आ चुके हैं अभी हम लोग ऑटो में। अरे बासुकीनाथ 70 रुपये में भाड़ा, और देखते हैं अभी कैसे जाते हैं, कितना टाइम लगता है। लगभग 2 घंटे की इस लंबी जर्नी के बाद हम लोग आ चुके हैं बाबा बासुकीनाथ मंदिर के सामने। और ये जो आप मार्केट देख रहे हैं, ये बाबा बासुकीनाथ मंदिर के सामने का मार्केट है। फिर हम लोग यहाँ से शिव गंगा की तरफ जाएंगे जो कि पोखर है बासुकीनाथ मंदिर के बगल में। मान्यता ये है कि शिव गंगा का पानी इतना पवित्र है कि अगर यहाँ आप स्नान करते हैं तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो अभी हम लोग मंदिर के पास चलेंगे, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग नहाकर और मंदिर में चलेंगे बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करने और वहीं पे जल अभिषेक करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अभी बासुकीनाथ जो कि देवगढ़ से लगभग 44 या 45 किलोमीटर के दूरी पर है, और यहाँ आने में हम लोगों को लगभग 2 घंटे के आसपास का समय लगा है। ऑटो वाले भैया ने बताया कि जैसे आने का 70 रुपया और जाने का 70 रुपया। अगर आप जनरल में आते हैं, अगर आप रिजर्व करके आते हैं तो 100 या 150 के आसपास छोटे वाले में आने लगता है।
तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं बासुकीनाथ, और यहाँ अगर आपका मन होगा तो पीछे आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करके पूजा के लिए उधर मंदिर है, मंदिर में जा सकते हैं। अभी चलते हैं थोड़ी देर में मंदिर। ऑटो से उतरने के बाद थोड़ी देर के हम लोग रेस्ट पे बैठे हैं, अभी रेस्ट करके फिर चलेंगे मंदिर में। आइए आपको पीछे का नज़ारा दिखाते हैं कैसा है, पीछे का नज़ारा कैसे यहाँ स्नान कर रहे हैं। और उधर भजन चल रही है मंदिर में अभी। ये आपको पास ले चलते हैं नदी। माना जाता है कि इस पोखर का जल इतना पवित्र है कि यहाँ भक्त स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो जाता है। मान्यता ये भी है कि इस पोखर में स्नान करने से शरीर और मन शुद्ध होता है और भक्त पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। भक्त इस पोखर में स्नान करके बाबा बासुकीनाथ का पूजा अर्चना करने के लिए चले जाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बासुकीनाथ, जो कि बाबा धाम से लगभग 44 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ आने में लगभग एक ये 2 घंटे के आसपास लगी है। और यहाँ पे अभी बासुकीनाथ मंदिर जाएंगे हम लोग स्नान करके, यहाँ स्नान करेंगे, इसी पोखर में स्नान करेंगे। वहाँ देख सकते हैं स्नान कर रहे हैं सब। तो स्नान करके हम लोग अभी बासुकीनाथ मंदिर जाएंगे और फिर रिटर्न जाएंगे, जो कि वही ऑटो, जिस ऑटो से हम आए हैं वही ऑटो हम लोग को ले जाएगी वापस। और अगर आप यहाँ रिजर्व करके आते हैं तो लगभग 1200-1000 रुपये में घुमाता है रिजर्व करके। और छोटे वाले ऑटो से अगर आते हैं तो आपको वही 200-300 रुपये के आसपास में घुमा देगी। अगर आप जनरल में आते हो तो 70-80 रुपये में आपको यहाँ पहुँचा देती है, और वही ऑटो आपको वापस भी ले जाएगी। तो ये नदी देख सकते हैं, यहाँ नहा के और आप सीधा मंदिर में जा सकते हैं पूजा के लिए। पूजा के लिए यहाँ से आप फूल पत्ती जो भी, अगर गंगाजल जो भी लेके आप जा सकते हैं अंदर चढ़ाने के लिए। और ये मंदिर का इधर का नज़ारा कितना सुंदर नज़ारा है देख सकते हैं, दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये बासुकीनाथों का पोखर है, बासुकीनाथ मंदिर का। और उधर पार्किंग का एरिया बना हुआ है, और बैठने के लिए अगर आप आते हैं तो बैठ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं फिर मंदिर के अंदर। इस पोखर को शिव गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शिव गंगा से जल लेकर श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अभी हम लोग बाबा बासुकीनाथ पर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बाबा बासुकीनाथ मंदिर झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है, जो देवघर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे झारखंड के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। बासुकीनाथ मंदिर की कहानी बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि यह मंदिर द्वापर युग से संबंधित है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे। स्थानीय कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थान पर आकर विश्राम किए थे। एक अन्य कथा के अनुसार इस क्षेत्र में रहने वाले एक चरवाहे ने अपने गाय को नियमित रूप से एक निश्चित स्थान पर दूध छोड़ते हुए देखा। उसने जमीन को खोदा तो वहां भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ। इसके बाद उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया, और तब से यह स्थान बासुकीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकी धाम के दर्शन को एक साथ पूरा करने का विशेष महत्व है। श्रद्धालु पहले बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाते हैं और उसके बाद बाबा बासुकी धाम की यात्रा करते हैं। यह मान्यता है कि बैद्यनाथ धाम में पूजा के बाद बासुकी धाम में पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए भक्त इन दोनों धामों का दर्शन करने के लिए आते हैं। और फाइनली हम लोग बाबा बासुकीनाथ पर जल चढ़ा के वापस जा रहे होते हैं। आप लोग भी अगर बाबा बैद्यनाथ पर जल चढ़ाने आए हैं तो बाबा बासुकीनाथ पर भी जल चढ़ाने जरूर आए।
ये इसलिए क्योंकि इस ऐसा माना जाता है कि आप बाबा बैद्यनाथ पर जल चढ़ाते हैं तो बाबा बासुकीनाथ पर भी जल चढ़ाने आए तो आपकी पूजा कंप्लीट मानी जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।